हेलो दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिट्टी बनाएंगे। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा तो एक बार जरूर ट्राई करें। वैसे तो ये आग में बनाया जाता है, लेकिन आज मैंने अप्पे पैन में बनाई हूँ, वो भी एकदम आसान तरीके से। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें 3 कप गेहूं की आटा डालेंगे, 400 ग्राम है। आपको जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आटा कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और साथ में ही 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अच्छे से मिला देंगे। सोडा डालने से लिट्टी क्रिस्पी और सॉफ्ट रहता है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और आटा लगाएंगे। हमें आटा को पराठे के जैसा लगाना है। इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से गूंदेंगे। इतना आटा गूंदने में 1.5 कप पानी लग गया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे और अच्छे से मिलाते हुए आटा को चिकना कर लेंगे। अब इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट तक साइड में रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम लिट्टी के लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो मैंने 1 कप चना की सत्तू ली हूँ, 100 ग्राम है। अब भुटेना को छिलका निकाल के और पीस लेंगे तो सत्तू बन जाता है। अब इसमें बारीक कटा हुआ 1 छोटा साइज के प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच लहसुन, बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच अदरक, बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच अचार की तेल और 4 पीस में आम की अचार ले ली हूँ। अगर आपके पास आम की अचार नहीं है तो आप 2 बड़ा चम्मच राई का तेल डाल दें और 1 बड़ा चम्मच और नींबू का जूस डाल दीजिए। अब इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप तीखा अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो अचार की पीसे से इस तरीके से हम मसलते हुए छोटा छोटा कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच और 1/2 छोटा चम्मच। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहा है। अगर आपका मसाला बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तेल और नींबू का जूस डाली थी इसलिए अच्छे से बाइंड हो रहा है। मसाला बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। आटा को रखे हुए 15 मिनट हो गया है, आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब एक बार इसे चिकना कर लेंगे, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसमें हम मीडियम साइज की लोई तोड़ लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा लोई बना सकते हैं और हथेली पे मसलते हुए इसे चिकना कर लेंगे। अब इसमें हम सूखा आटा लगा लेंगे और उंगली और अंगूठा की सहायता से प्याले के शेप दे देंगे इस तरीके से। अब इसमें 1 से 2 बड़ा चम्मच स्टफिंग डालेंगे और उंगली से हल्के हाथ से दबा देंगे और चारों तरफ से इस तरीके से उठाते हुए अच्छे से बंद कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा डो ऊपर आ रहा है उसे हल्का सा निकाल देंगे और इसे चिकना करके गोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक लिट्टी बनके तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से मैंने सारे लिट्टी बनाकर तैयार कर ली हूँ। लिट्टी को बनाने के लिए मैंने गैस पे अप्पे पैन रख ली हूँ। आप चाहे तो कढ़ाई में, कुकर में या तवे पे बना सकते हैं, चाहे आप इसे तल के भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं अप्पे पैन में बना रही हूँ।
तो पैन को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें लिट्टी को डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे ढक के 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे और बीच में एक बार चेक कर लेंगे। लिट्टी को पकते हुए 10 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूला है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी इसे ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी साइड में लिट्टी को सेकते हुए 10 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छे से सिक गया है, बस इसमें हल्का सा कलर नहीं आया है। तब इसके ऊपर घी या तेल लगा देंगे जो आपको पसंद है और गैस का फ्लेम लो से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे और चारों तरफ से अलट पलट के हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। आप देख सकते हैं लिट्टी में हल्का हल्का क्रैक आ गया है, जब ये सिक जाता है तो ये इसका पहचान है। और बीच वाला मोल्ड में के लिट्टी चारों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और जो साइड वाला मोल्ड में के लिट्टी है उसे हम बीच में डाल देंगे और इसे भी हमें चारों तरफ से अलट पलट के हल्का गोल्डन ब्राउन तक सेक लेना है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सिक गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। एक बार लिट्टी सेकने में हमें 20 से 25 मिनट लग जाता है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब इसी तरीके से हमें सारे लिट्टी को बना लेना है। मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ, ऐसा लग रहा है बॉल है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप चाहे तो बिना तेल घी के भी बना सकते हैं, मुझे इस तरीके से तोड़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इसका लेयर कितने अच्छे से पका है। आप भी बनाइए, खाइए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।